या लाइनर जल गया है ना तो धुआं निकलता है। 25 टन लोड है, मकई देखिए पूरा फुल भरा है। ये देखिए लाइनर बाहर डालते ना अभी हाथ खान हो जाता है, ठंडा हो गया है थोड़ा बहुत बाकी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का नमस्कार, नए ब्लॉक में स्वागत है दोस्तों। रात को धोतरे से मैं भर के निकल गया था 11:30 बजे और मैं यही पहुंचा हूं। यहां से मनोर 30 किलोमीटर है और टायर भी गर्म हो गया था इसलिए मैं खड़ा किया, तो टायर ठंडा हो जाता है। ये देखिए ऊपर टायर ठंडा हो रहा है और इधर बहुत मस्त जगह है, ये देखिए ठंडा ठंडा कुल कुल है। ये पानी, बारिश का पानी रुका है, तो दोस्तों मैंने सेव लिया था, सफरचंद लिया था और मैं वही सफरचंद नाश्ता किया और अभी टायर ठंडा होने में भी ये घंटा लगेगा कम से कम, तो मैं सोचता हूँ कि चल के कुछ बना लूँ। पत्ता गोभी फ्लावर है और चावल, रात को तो मटर बिरयानी बनाया था, बहुत काफ़ी टेस्टी बना था। ठीक है दोस्तों, ये आ गया मैं गाड़ी में। ये लाइनर ब्रेक पकड़ पकड़ के पूरी दम धुआं मार रहा था, ये देखिए यहाँ पे धुआं निकल रहा, क्या लाइनर जल गया है ना तो धुआं निकलता है, इसके लिए मैं खड़ा किया। 25 टन लोड है, ये मकई देखिए पूरा फुल भरा है, मैं रात को दिखाया भी नहीं था, अंधेरा हो गया था। ये देखिए गोनी दिख रहा ना, तो चलता मैं कुछ बना लेता हूँ। जहाँ से मैं भरा था वहाँ से सेठ का पत्ता गोभी का खेती हुआ था, मिर्ची का खेती हुआ था और फूल गोभी का खेती हुआ था और बहुत सारे खेती हुआ था उनका। तो मेरे को बोलते कि अरे यार तुम तो वीडियो बनाते हो, तो तुम बनाते हो तो ठीक है मैं तुमको देता हूँ, आओ फ्लावर देता हूँ, पत्ता गोभी चाहिए क्या? मैं बोला कि दे दीजिए है, तो गए तो खुद अपने हाथ से तोड़ के दिए। कोला है, कोला अभी तक हुआ नहीं ना, देखिए कितना हरा हरा है, दिख रहा है। हाँ तुम वीडियो बनाते लगे मालूम है। ये देखिए ये पत्ता गोभी दम ताज़ा ही तोड़ के दिए, ये देखिए, और ये दम खेती में पूरा उखाड़ के तोड़े और ये देखिए कितना मस्त ताज़ा मिर्ची दिए। तो वही पत्ता गोभी और फ्लावर बटाटा का सब्जी बनाएंगे, अब निकाल लिया हमें, अब चावल रखता हूँ पहले। चावल रख दिया हूँ और ये बटाटा काट लिया हूँ और ये लहसुन मिर्ची प्याज छील लिया हूँ और ये आज पत्ता गोभी का सब्जी बनाएंगे। इसको काट रहे हैं तो मैं अभी पत्ता गोभी काटता हूँ। देखिए दोस्तों अभी हम काट के रेडी कर लिया हूँ, इसको ढोऊंगा। चावल हो गया है तो दोस्तों ये देखिए अभी हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें मैं अदरक का पेस्ट डालूंगा। प्याज का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, मिर्ची का पेस्ट, देखिए पूरा लाल हो गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं पत्ता गोभी और बटाटा। इसमें मसाला डालेंगे ऊपर से, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी थोड़ा सा, एवरेस्ट मसाला, थोड़ा नमक डाल देता हूँ।
अब इसको ढक देता हूँ ऐसा ही। सारे रास्ते में मैं गाड़ी खड़ा करके खाना बना रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, खाना बना के खा के निकल लूँगा यहाँ से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सब्जी चावल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, गाड़ी आ जाती है तो कितना मस्त हवा लगता है। चलिए देखते हैं सब्जी का क्या हाल है। ये देखिए, मसाला में डाला था ना, ये कैसा हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा इसको पलटी कर देंगे। देखिए दोनों एक साथ, भुजा भी गया, मसाला भी पक गया। अब इसको हम भूजेंगे। देखता हूँ टायर ठंडा हो गया क्या। ये देखिए, लाइनर बाहर डालते ना, अभी हाथ सहन हो जा रहा है, ठंडा हो गया है थोड़ा बहुत बाकी। ये जो होता है ना, ये गर्म हो जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, लाइनर ही रहता है ना इसके अंदर। अरे बाप रे, ये तो गर्म है, ये भी गर्म है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इधर का लाइनर, इसमें का, ये भी गर्म है। अरे इसमें का तो अभी दम आग ही मार रहा है, बाप रे। 40 मिनट लगेगा और ठंडा करने के लिए। चलो दोस्तों, मैं चलता हूँ, अब देखता हूँ भाजी का क्या हाल है। महक तो आ रहा है दूर से ही, दरवाजे पे आ रहा दोस्तों। भाजी मस्त सुगंध आ रहा, थोड़ा लग गया है लेकिन और अच्छा हो जाएगा। थोड़ा पानी डालता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक नंबर का सब्जी बन गया है। बस थोड़ा और पकने देता हूँ। ये चावल निकाल दिया हूँ कि ठंडा होएगा। ये चावल निकाल दिया हूँ कि ठंडा हो रहा दोस्तों। अभी खाना तो बन गया है, अब हम चलते हैं खाना खाने। ये देखिए, खाना बन के रेडी हो गया है। अब खाना खाते हैं। अच्छा बना है, टेस्ट बना है। तो अभी खाना हो खा के रेडी हो गया मैं। अब यहाँ से निकल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 12 बज गया है और 1-2 बजे तक उधर पहुँचूँगा तो खाली भी हो जाएगा। चलता हूँ, टायर भी एकदम ठंडा हो गया मस्त। देखिए पंखा लगाए हो कि यहाँ तक हवा आ रहा। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर लिया हूँ। दोस्तों मासवन घाट के पहले मैं रुका हूँ, टायर एकदम फुल गर्म हो गया है। अब देखिए, अब पूरी अभी गाड़ी ठंडा कर रहा हूँ टायर।
करके फिर निकलूंगा। बहुत आज टेम्परेचर ज़्यादा है और लिफ्टर उठा के चलने में और टायर गर्म होता है, सिंगल टायर हो जाता है। अब लिफ्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसमें चाल आ गया है, लिफ्टर गिरा के नहीं चल पा रहा हूँ, इसके लिए बहुत तकलीफ हो रहा। अब लिफ्टर उठा देते तो ये डबल टायर का वजन इसी पे आ जाता है, तब तो आगे वाला टायर बहुत ज़्यादा भरा है। अब आगे घाट है, दो घाट है, पालघर जाने में दो घाट लगता है। ठीक है दोस्तों, अभी ठंडा करके निकलते हैं आपसे। मैं आ गया हूँ और काटा भी कर लिया हूँ, अब जा रहा हूँ कंपनी में, लगाता हूँ, देखता हूँ खाली हो जाता है कि नहीं। काटा तो कर लिया मैंने, खाली हो जाएगा तो अच्छा है, फिर कल माल है भर लूँगा मैं। बुल्डाना का है और संभाजी नगर का है, दो डिलीवरी है। दोस्तों मैं कंपनी में आ गया हूँ, मैं डीसी में अभी गाड़ी घुमा रहा हूँ। ताजा इंडस्ट्री में जाएगी। कंपनी में आ गया हूँ, इसी कंपनी में खाली होएगा, पहले भी खाली कर किया हूँ मैं इसमें, अब यही माल मिला इसी में आ गया। इसका दो तीन कंपनियाँ हैं, पोल्ट्री फार्म है, तो उस दिन इधर ही खाली किया था, आज भी इधर ही, इसमें मुर्गी दाना बनता है इसलिए इसमें ही खाली कर रहा। पोल्ट्री फार्म भी है उधर, तो उसमें भी नहीं खाली किया, यहीं पर खाली किया। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ पेपर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी हम तलपति खोल दिया हूँ, अब इसको मोड़ रहा हूँ, फोल्डिंग कर रहा हूँ, पूरा 25 टन है। रस्सी उधर खोल के रखा हूँ, मैं गाड़ी लगा दिया हूँ, आदमी लोग खाली कर रहे हैं, चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी खाली कर रहे हैं आदमी लोग, ये डीजे वीजे भी बजा रहे हैं, गाना भी खाली कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी कंपनी में पानी मिल गया, अब मैं नहा वहा लिया मस्त, यहाँ पे देख सकते हैं, अब ड्रेस चेंज करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कितना खाली हो गया है, चलता हूँ, खाली हो गया है और हम अभी ले चल के गाड़ी पेट्रोल पंप पे लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं गाड़ी लगा दिया हूँ ये पेट्रोल पंप पे, ये बीच में देखिए कितना गार्डन मस्त बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो हम ब्लॉग क्लीन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।